हेलो क्लास, वेलकम बैक टू यू जीके क्लास। सो ओके, सभी लास्ट क्लास में क्या किया? लास्ट क्लास में हमने देखा इंडिया की कुछ किन के बारे में, फर्स्ट वुमेन इन इंडिया जो हमारा टॉपिक था वो क्या था, फर्स्ट वुमेन इन इंडिया, दिस वाज अवर टॉपिक। तो अब इस टॉपिक के अंतर्गत अब अगली चीज हमें जो देखनी है, द नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव टू फोकस इज we have to learn about some GK के some simple question. So we are going to do GK question. This type of question I generally ask you orally. So let's have a written practice of the same. कुछ कुछ से fact we are going to take. First is like, which is the largest country in the world? So the first question, here I am going to make the first question. Which is the largest country in the world? Let me fix the camera. Which is the largest country in the world? Largest country कौन सी है world में? So the largest country in the world is Russia. सबसे बड़ी country जो पूरे world में सबसे बड़ी area wise जो सबसे बड़ी country है, that country is Russia. So Russia is the लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, रशिया बाई एरिया, एरिया में मतलब नॉट इन पॉपुलेशन नॉट इन डेंसिटी बट इन एरिया, एरिया बाई सबसे ज्यादा जो बड़ी कंट्री है वो है रशिया। रशिया जो है, रशिया जिसको हम बोलते हैं वो क्या है, वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंट्री है। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ मूविंग टूवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट अस मूव टूवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नाउ what do you call a house made of ice? The next will be question number 2. What do you call a house made of आइस? आइस के बने हुए घर को क्या कहते हैं? जैसे हमारे यहाँ जो इधर हम प्लेन्स में रहते हैं, हमारे यहाँ घर किसके बनते हैं? हमारे यहाँ घर ईंटे पत्थर इनसे बनते हैं, ईंटे लकड़ियाँ ठीक है इनसे बनते हैं। लेकिन जो जो घर होते हैं जो आइस के बने होते हैं, हाउसेज दैट आर मेड ऑफ आइस, जो आइस के बने हुए घर होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? सो वी कॉल देम इग्लू। व्हाट डू यू कॉल अ हाउस मेड अप ऑफ आइस? सो डू वी कॉल देम, क्या कहते हैं? वी कॉल देम इग्लू। उन्हें क्या कहा जाता है बेटा? दे आर टर्म्ड एज इग्लू, इग्लू। ओके, नाउ मूविंग टूवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। आफ्टर दिस द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज, विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑन द अर्थ? विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑन द अर्थ? सबसे बड़ी नदी कौन सी है? विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑन द अर्थ? अर्थ पर बहने वाली सबसे बड़ी नदी, सबसे बड़ी रिवर कौन सी है? विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर, सबसे बड़ी नदी कौन सी है? सो अर्थ पर बहने वाली जो सबसे बड़ी नदी है वो है रिवर नाइल, ठीक है, रिवर नाइल। और रिवर नाइल को क्या कहते हैं?
रिवर नाइल के लिए यूज किया जाता है टर्म गिफ्ट ऑफ, नहीं रहने दो ये अभी नहीं, रिवर नाइल इज व्हाट इट इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑन द अर्थ, अर्थ पर बहने वाली सबसे बड़ी नदी है रिवर नाइल। ओके नाउ मूविंग अहेड, चलो तो अभी आपने 3 क्वेश्चन जो लिखे वो कौन कौन से थे, विच इज द लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, रशिया इज द लार्जेस्ट कंट्री, व्हाट डू यू कॉल अ हाउस मेड ऑफ आइस, इग्लू, वी कॉल द हाउस मेड ऑफ आइस इज इग्लू, विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑन द अर्थ, अर्थ पर बहने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है, सो दैट रिवर इज रिवर नाइल, रिवर नाइल इज द लॉन्गेस्ट रिवर जो कि अर्थ पर क्या होती है, अर्थ पर बहती है। ओके नाउ आई एम गोइंग टू इरेज द होल, राइट इट डाउन फास्ट, ओके नाउ the next question. Next question here is, which is the principal source of energy for earth? Next is question number 4. Question number 4 is, which is the principal source of which is the principal source of energy for earth? Which is the principal source of energy for earth? मतलब अर्थ पर एनर्जी का एकमात्र सोर्स कौन सा है, सबसे बड़ा जो सोर्स है अर्थ पर एनर्जी का वो क्या है, तो अर्थ पर जो सबसे बड़ा एनर्जी का सोर्स वो है हमारा सन। ठीक है, सन से हमें क्या मिलता है, सन गिव्स अस हीट एंड लाइट, और हीट एंड लाइट से ही क्या होती है, पूरी पृथ्वी पूरी अर्थ क्या होती है, रन कर रही है। कैसी, यूड बी लाइक मैम कैसे अर्थ उससे पूरी पृथ्वी रन कर रही है, तो बेटा जब सन आपको एनर्जी देता है, हीट और लाइट देता है, उसी हीट और लाइट से प्लांट खाना बनाते हैं, और जब प्लांट खाना उसी हीट एंड लाइट से बनाते हैं, तो उसके बाद क्या, जब उसी से प्लांट खाना बनाते तो वही फिर हम पूरी तरह से किसमें, प्लांट पे डिपेंडेंट है। तो सन से हमें क्या मिल रही है, सन से हमें हीट एंड लाइट मिल रही है। ओके मूविंग अहेड नाउ, विच इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज विच इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट, ठीक है, सबसे छोटा स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है, तो देखो दो बात है, सबसे जब छोटे की बात कर ही रहे हैं तो बड़े की भी डिस्कशन कर लेंगे, तो सबसे छोटा जो कॉन्टिनेंट है वो कौन सा है, सो दैट इज ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया
ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया इज व्हाट, ऑस्ट्रेलिया इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट। ओके नाउ, तो जब हमने ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात की है तो फिर अब हम चलो फिर सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट के भी बारे में बात कर ही लेते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 6 इज विच इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, विच इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। अभी हमें बताना है सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है, विच इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। सो एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, एशिया क्या है बेटा, लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। तो यहाँ पे हमने 3 क्वेश्चन का डिस्कशन किया, विच इज द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर अर्थ, सन इज द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ एनर्जी, विच इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट, सो ऑस्ट्रेलिया इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट, विच इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, सो एशिया, एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। ओके नाउ डू दिस क्वेश्चन इन योर जीके कॉपी, देन वी विल बी मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके आफ्टर दिस वी विल बी मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव टू डू इज, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द टॉलेस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 7 इज विच इज द टॉलेस्ट माउंटेन, विच इज द टॉलेस्ट माउंटेन, विच इज द टॉलेस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड, विच इज द टॉलेस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड, सो द आंसर इज माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट इज वॉट, माउंट एवरेस्ट इज द टॉलेस्ट माउंटेन ऑफ द अर्थ। अभी देखो माउंट एवरेस्ट के बारे में मैंने आपको बताया था, हमने इसके बारे में पिक्चर्स भी देखी थी कि वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा स्नो के तूफान आते रहते हैं। सो टॉलेस्ट माउंटेन माउंट एवरेस्ट है वर्ल्ड का, ये कहाँ पे है, सिचुएटेड इन नेपाल, नेपाल में। ओके सो माउंट एवरेस्ट क्या है, टॉलेस्ट माउंटेन है, इट इज सिचुएटेड इन नेपाल। ऑल्सो वन मोर थिंग इज देयर, अभी देखो हमने क्या पढ़ा था कि बचेंद्री पाल वो सो फर्स्ट इंडियन वुमेन जो कि इस पे क्या की थी, क्लाइंब की थी, लास्ट की क्लासेस में, ऑनलाइन क्लासेस में भी और वीडियो में भी मैंने आपको समझाया था कि बचेंद्री पाल वो सो फर्स्ट इंडियन वुमेन जो कि क्या की थी, जो कि क्लाइंब की थी, किस पे क्लाइंब की थी, माउंट एवरेस्ट पे बचेंद्री पाल जी ने क्या किया था, शी क्लाइंब माउंट एवरेस्ट। नाउ क्लास हु वॉज द फर्स्ट पर्सन जो जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पे क्लाइंब किया था, सो द फर्स्ट पर्सन हु क्लाइंब माउंट एवरेस्ट वॉज शेरपा टेंजिंग एंड हिलरी नॉर्वे। ओके तो इन्होंने क्या किया था 1853 में ये क्लाइंब किए थे माउंटेन पे, बहुत कठिन होती है ऊपर तक की चढ़ाई। तो आज की क्लास में हमने क्या किया बेटा, व्हाट वी हैव डन इन टुडेज क्लास। ओके ओके क्लास नाउ
व्हाट हैपेंड, तो हमने क्या किया कि आज की क्लास में हमने ओरल क्वेश्चंस डिस्कस किए जो कि मैं अक्सर आप लोगों से पूछती रहती हूँ. आने वाले क्लासेस में वी विल आई विल इनकलकेट दीज टाइप ऑफ इंटरेस्टिंग टॉपिक सो दैट आपका इंटरेस्ट आए जीके की तरफ या सर क्लास, एंड विद दिस कीप रिवाइजिंग योर जीके बुक ऑल्सो. सो माई डियर स्टूडेंट, दिस इज इट फॉर टुडे एंड नाउ मैम विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास. टिल देन टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ. बाय बाय.